बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठनों में समाजवादी पार्टी बदलाव करेगी। सपा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और लगातार संघर्ष करने वाले नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी की जिम्मेदारी में भी बदलाव की तैयारी है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दो दौर की बैठक हो चुकी है, कुछ नए नामों पर भी विचार किया जा रहा है। तो संगठनात्मक तौर से सशक्त बने समाजवादी पार्टी, इसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठनों में बदलाव करेगी समाजवादी पार्टी। सपा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही साथ जो लगातार संघर्ष करने वाले नेता हैं उनको भी इनाम मिलेगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी की जिम्मेदारी में भी बदलाव की तैयारी है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दो दौर की बैठक हो चुकी है और कुछ नए नाम पर भी विचार किया जा रहा है। और अयोध्या और आसपास खरीदी गई जमीन की जांच की जाएगी। बीते 3 साल में खरीदी गई जमीनों की जांच होगी। आयकर विभाग 3 साल में खरीदी जमीनों का ब्यौरा जुटा रहा है। आयकर की जांच से सिकंजे में कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी फंस सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अयोध्या इस वक्त विकास की उस रफ्तार पर है कि लगातार सर्किल रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में अफसरों की चल और अचल संपत्ति की भी जांच कर रहा है आयकर विभाग। ब्लैक मनी से अयोध्या में जमीन खरीदने की आशंकाएं जो है उसको लेकर कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि बीते 3 साल में जो अयोध्या में जमीनों की खरीदारी हुई है उसकी जांच होगी। आयकर विभाग 3 साल में खरीदी जमीनों का ब्यौरा जुटा रहा है। आयकर की जांच से शिकंजे में कई आईएएस अधिकारी फंस सकते हैं, पीसीएस अधिकारी भी फंस सकते हैं। अफसरों की चल और अचल संपत्ति की भी जांच कर रहा है आयकर विभाग। ब्लैक मनी से अयोध्या में जमीन खरीदने की आशंका है। और चलिए बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर एक आदमखोर गुलदार पकड़ा गया है। एक लड़की और एक बच्चे को शिकार बना रहा था। गुलदार के हमले में लड़की की मौत हो गई, जख्मी बच्चे का इलाज जारी है। गुलदार के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। थाना नगीना किरतपुर के जंगल का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर में पकड़ा गया है आदमखोर गुलदार, एक लड़की और एक बच्चे को शिकार बनाया था। गुलदार के हमले में लड़की की मौत हुई है, जख्मी बच्चे का इलाज जारी है। गुलदार के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। थाना नगीना किरतपुर के जंगल का ये पूरा मामला है। तो आप देखिए, पिंजड़े में इस गुलदार को पकड़ा गया है और ये आदमखोर हो गया था और इसलिए बड़ा खतरा था उस पूरे इलाके के लिए, लेकिन इसे थाना नगीना के किरतपुर के जंगल से पकड़ लिया गया और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।